हम लोग 10.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अभी। बहुत ही अच्छा है, इसे इसके थ्योरी पार्ट में कंसेंट्रिक सर्कल के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए पहले सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, देख लेते हैं क्या कर रहा है। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल, तो सबसे पहले देखिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कंसेंट्रिक सर्कल होता क्या है। तो सपोज कीजिए कि हम एक ये सर्कल बनाए, इसका एक सेंटर है, इसी सेंटर से यानी कि दूसरा भी जो एक सर्कल होगा उसका भी सेंटर यही होगा, यानी दोनों सर्कल के सेम सेंटर होना चाहिए। अगर दोनों सर्कल का सेंटर अगर सेम है तो वो क्या कहलाता है, कंसेंट्रिक सर्कल कहलाता है। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि टू कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर ओ, अब देखिए कह रहा है कि विथ सेंटर ओ एट ए बी सी डी, तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी बराबर सी डी। अब देखिए आपको ये प्रूफ करना है कि ये ए बी बराबर सी डी, ये बराबर होगा यहां तक के। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी क्या होना चाहिए, सी डी के इक्वल होना चाहिए, सी डी के बराबर, ये ए बी सी डी के बराबर है। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, तो पहले से हम लोग जानते हैं, तो क्या कह रहा है कि ए बी जो ये जो डिस्टेंस है सी डी के डिस्टेंस के बराबर होगा, ये हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो कॉर्ड से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे थ्योरम देख चुके हैं, अभी दो तीन क्वेश्चन भी देखे हैं। तो हम क्या देख रहे थे क्वेश्चन में कि सेंटर से अगर वो परपेंडिकुलर और कोई लाइन लेते हैं किसी कॉर्ड पर, अब समझिए बीसी क्या हो गया, ये लाइन बी और सी क्या हो गया, बीसी कॉर्ड हो गया, किस सर्कल के लिए, इस सर्कल के लिए बीसी क्या हो गया कॉर्ड। अगर यहां इस ओ पॉइंट से अगर हम कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस बीसी कॉर्ड पर, तो इस बीसी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। उसी तरह अगर अब ये हम बड़े वाला सर्कल लेते हैं, दोनों का सेंटर एक है, अगर इसके कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ किए तो क्या हो गया, इस बड़े वाले को भी क्या किया, बाइसेक्ट किया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि लेट, यहां से हम क्या किए, चलिए इसको हम M मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर जो लाइन डाले हैं वो क्या हो गया, OM हो गया। तो देखिए तो लेट OM क्या लिखेंगे, लेट OM बी परपेंडिकुलर फ्रॉम कहां, O टू M, OM परपेंडिकुलर ऑन लाइन, कोई एल लाइन पर क्या है, वो हम कोई लाइन खींचे हैं, ड्रॉ किए हैं यहां पर, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या अभी हम बताए हैं आपको, क्या बताए हैं, तो वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। सो सेंस क्या हो गया, हम लिखेंगे बीसी इज ए कॉर्ड, बीसी देखिए अब ये बीसी क्या हो गया, बीसी इज ए कॉर्ड ऑफ ए स्मॉलर सर्कल। बीसी क्या है, ये बीसी क्या है, इस छोटे सर्कल का ये कॉर्ड है, ये बीसी देख सकते हैं, और ये एडी क्या हो जाएगा, बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड हो जाएगा। तो देखिए तो क्या हो गया, तो ये ओ एम क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, किस पर परपेंडिकुलर हो गया, बीसी पर। OM किस पर परपेंडिकुलर हो गया, छोटे वाले कॉर्ड पर परपेंडिकुलर हो गया। तो जब भी छोटे वाले कॉर्ड पर परपेंडिकुलर हो गया तो उसको हम लिख सकते हैं BM इक्वल टू ये जब भी, अभी हम क्या लिखे हैं स्टेटमेंट कि लाइन जब भी ड्रॉ करता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो BM
इक्वल टू क्या हो जाएगा सी एम, आधा ये आधा ये, बी एम इक्वल टू सी एम। ठीक है, अगेन उसी तरह, अगेन क्या, अब देखिए उसी तरह जिस तरह छोटे को हमने बाइसेक्ट किया उसी तरह बड़े को भी हम क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे। अगेन एडी इज ए, यहां बी सी था अब हम एडी को लेंगे, तो एडी इज ए कॉर्ड ऑफ ए बिगर सर्कल। क्या एडी क्या हो गया यहां से यहां, ये किसका हो गया बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड हो गया। एडी इज द बिगर, एडी इज ए कॉर्ड ऑफ ए बिगर सर्कल एंड ये भी ओ एम भी तो परपेंडिकुलर उसी लाइन पर है। ओ एम क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर किस पर, ये भी एडी पर ही, ओ एम परपेंडिकुलर एडी, तो इसको भी क्या करेगा इसको भी, अब इसे भूल जाइए, अब इसे आप भूल जाइए, ये छोटे वाला नहीं बड़ा वाला है, ये बड़े वाले हैं, ये बड़े वाले हैं, बड़े वाले हैं। अब क्या हो गया ए एम इक्वल टू डी एम, तो हम लिख सकते हैं ए एम इक्वल टू डी एम, ये ए एम किसके बराबर हो गया इस डी एम के बराबर हो गया, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन जो है अभी हमने क्या लिखा कि ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी बड़े वाले कॉर्ड को भी वो क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए सब्ट्रैक्टिंग, इसे हम क्या मानते हैं इसे इक्वेशन टू मान लेंगे, इसे इक्वेशन टू मानेंगे, इसे इक्वेशन वन मान लेंगे। अब देखिए सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, फिर से हमने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया उसको। अब देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ए एम माइनस बी एम, देखिए ए एम, ए एम माइनस बी एम और डी एम माइनस सी एम होगा। देखिए हम क्या लिखे हैं सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम सेकेंड, टू में से वन को घटा देंगे, यानी टू वाला क्या है लेफ्ट को लेफ्ट साइड में और राइट को राइट साइड में, ए एम है तो ए एम में से बी एम को सब्ट्रैक्ट किए, डी एम है डी एम में से सी एम को सब्ट्रैक्ट किए। अब देखिए फिगर में देखिए, अगर हम ए एम में से बी एम को घटाते हैं, देखिए अब ए एम, ए एम यहाँ है, इस ए एम में से बी एम को घटा देंगे लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा ए बी, ध्यान दीजिए हमारे पास क्या बचेगा ए बी बचा। इसी तरह ए एम में से बी एम को घटा दिए तो क्या बचा ए बी, उसी तरह डी एम में से सी एम को घटा देंगे, देखिए डी एम, अगर हम डी एम में से सी एम को घटाते हैं तो देखिए थोड़ी यहां लिखते हैं, अब देखिए ये इक्वल, अब डी एम में से सी एम को घटाइए, अब यहां से देखिए डी एम में से सी एम को घटा दी तो हमारे पास क्या बचा, क्या बचा सी डी बचा कि नहीं बचा, देखिए डी एम में से सी एम को हम घटा लिए सब्ट्रैक्ट कर लिए तो हमारे पास क्या बचा सी डी, क्या बचा सी डी। यही तो हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा था, देखिए प्रूफ क्या करना था ए बी इक्वल टू सी डी, और हमने ए बी इक्वल टू सी डी को प्रूफ कर लिया। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर बहुत जल्द मिलते हैं।